हेलो मेरे क्यूटीज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। तो मैंने सोचा दिवाली तो पास ही है, तो क्यों ना चलो एक दिवाली के रिलेटेड ही कुछ बनाया जाए। तो इन कलर्स के खाली बॉटल से आज हम एक अच्छा सा डेकोर बनाएंगे। मैंने वॉल पट्टी डो फर्स्ट ही बना के रखा था, तो मैंने फर्स्ट तो एक कोकोनट ऑयल को हाथों में अच्छे से रफ कर लिया, और अब हम इस डो को अच्छे से हाथों में नीड कर लेंगे ताकि और भी सॉफ्ट हो जाए और हमारे काम के बाद इसमें कुछ क्रैक्स ना आए। तो मैंने इसे एक पतला चपाटी की तरह कर लिया है और इसे अब पूरे बॉटल में अच्छे से स्प्रेड कर देंगे ताकि ये जो बॉटल का ग्लास वाला पार्ट है वो ना दिखे और ये कुछ थोड़ा गोल टाइप का हो जाए। तो आपके पास अगर गोल बॉटल है फेविकल कलर का तो वो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने इससे ही काम चला लिया। और हम यहाँ पर वाटर से इसके और भी सुंदर स्मूथ कर देंगे। और अब हमें बनाना है इसके आई, तो मैं बता दूँ यहाँ पर मैं एक आउल बना रही हूँ छोटा सा। तो मैं सोच रही हूँ कि इसे हम कैंडल की तरह भी डेकोर कर सकते हैं, कुछ सजाने के लिए भी कर सकते हैं। तो मैंने बाद में वो चोज भी कर दिया है और इसके विंग्स के लिए हमने एक लेयर और भी दे दिया है। दूसरे साइड भी हमें ऐसे ही एक लेयर दे देंगे और पानी की मदद से हम इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए। और मेरे पास एक खाली पेन पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि ना फेदर वाला इफेक्ट हम इससे ही दें। और देखो कंप्लीट हो गया, इसे हम सूखने के लिए रख देंगे और बाकी के बॉटल को हम एक पांडा वाला लुक देंगे। तो इसके लिए इसे भी फर्स्ट गोल करना पड़ेगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। तो ये गोल हो गया है, मैंने पानी से भी इसे स्प्रेड कर दिया था। अब हम बनाएंगे इसके छोटे छोटे कान दोनों साइड में और फिर बनाएंगे इसका माउथ वो छोटा सा। तो दोनों को ही हम रख देंगे अच्छी तरीके से सूखने के लिए। और सूखने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा जो कि बहुत ही हार्ड हो गया है क्योंकि ये वॉल पट्टी है। इसके बाद हम इस पांडा को अच्छी तरीके से वाइट कलर से कलर कर देंगे ताकि इसके कलर्स और भी इवन हो। और इस आउल वाले को मैं ब्राउन कलर से कलर कर दूंगी, पूरा ही ब्राउन करूंगी। इसके बाद हम इसे शेडिंग करेंगे। तो फर्स्ट तो मैंने इस सारे में कलर कर दिया है, उसके बाद मैंने स्पॉन्ज में थोड़ा सा वाइट कलर लेके इसमें दे दिया है ताकि वो फेदर वाला इफेक्ट और भी सुंदर हो और भी हाईलाइटेड लगे। और आई वाले पार्ट में मैंने लेमन येलो दिया है फर्स्ट, और अंदर के हिस्से में मैंने ब्लैक कर दिया है। तो ऐसे ही मैं इस आउल को करती हूँ कंप्लीट, जो कि दिखने में बहुत ही क्यूट सा लग रहा है। और अभी हम करेंगे इस पांडा को। तो पांडा के लिए मैंने दोनों आईज़ बनाए हैं। मैंने फर्स्ट वाले आई में थोड़ा सा जगह रखा था कि आई बॉल यहाँ पर बनाएंगे, लेकिन मैंने दूसरे वाले में वो नहीं रखा था, मैं भूल गई थी, मैं इसमें भी ढक दिया। और इसके बाद हम इसके नोज़ और माउथ दोनों को ही एक साथ कर देंगे। और ये इतने में ही बहुत ही क्यूट लग रहा था दिखने में, तो मैंने इसके बाद इसके आई बॉल्स को वाइट कलर से फिर से कर दिया है क्योंकि मुझसे फर्स्ट गलती हो गई थी। और इसके लिप्स पे मैंने थोड़ा सा रेड कलर कर दिया है, और इसके कानों को हम कैसे भूल सकते हैं, तो हमने ये भी कर लिया। और अब देखो दोनों को एक साथ कितना सुंदर लग रहा है दिखने में। तो मैंने सोचा क्यों ना वाटर कैंडल बनाया जाए, तो एक भी काम तो मुझसे बिना गिरे होता नहीं। तो साफ़ करके मैंने मस्टर्ड ऑयल दे दिया है यहाँ पर, अब चाहो तो ऑलिव ऑयल भी दे सकते हो। और फिर हमें चाहिए थे प्लास्टिक सीट, तो मैंने एक मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने उसे राउंड शेप में कट कर लिया। और ऑफ कैमरा मैंने इन दोनों में एक एक होल भी अटैच कर दिया, और इसके बत्तियाँ भी हमने लगा ली। और अब देखो कि ये लाइट के बिना कैसा लग रहा है दिखने में। और ये जल जल रहे थे ना, तो सच कहूँ तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था वो जगह। अब बस देखो कि कितना सुंदर लग रहा है। तो वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।